अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम फेडरल बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ग्रेड फिफ्थ की चैप्टर वन की एक्सरसाइज टू स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर सिक्स तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सेवन से क्वेश्चन नंबर टेन तक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन को। तो देखें, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेस फॉर द होमलेस इन वन ईयर। द गवर्नमेंट बिल्ड, गवर्नमेंट ने बनाए इतने हाउसेस, घर बनाए फॉर द होमलेस, बेघर लोगों के लिए इन वन ईयर, एक साल में। द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में 24,521 लेस हाउसेस वर बिल्ट देन द प्रीवियस ईयर। दूसरे साल में 24,521 जो घर हैं गवर्नमेंट ने कम बनाए हैं देन द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कंपैरिजन में। उन्होंने कहा, बात की है कि जितने पिछले साल में गवर्नमेंट ने घर बनाए थे बेघर लोगों के लिए, उससे 24,521 घर गवर्नमेंट ने कम बनाए हैं सेकंड ईयर में। हाउ मेनी हाउसेस डिड द गवर्नमेंट बिल्ट इन बोथ द ईयर्स, दोनों सालों में गवर्नमेंट ने टोटल कितने घर बनाए। अब देखिए, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन वेदर प्लस का माइनस का है या इसमें कुछ प्लस और कुछ माइनस दोनों का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखें तो आपके पास वन ईयर का, आपको वन ईयर के घर बनाने की बताया है कि गवर्नमेंट ने इतने घर बनाए, लेकिन सेकंड ईयर में कितने घर बने वो हमें नहीं पता है। सिर्फ हमें सेकंड ईयर में पता है कि 24,521 लेस हाउसेस, कम हाउसेस बने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल गवर्नमेंट ने सेकंड ईयर में कितने घर बनाए। तो सबसे पहले हम सेकंड ईयर के हाउसेस को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम जो है गवर्नमेंट पता करेगा कि बोथ ईयर्स, दोनों सालों में कितने टोटल घर बने, तब हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलें इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो उस सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे। हाउसेस बिल्ड इन वन ईयर, पहले साल में हाउसेस कितने बने, दिस वन। हाउसेस बिल्ड इन द सेकंड ईयर, हाउसेस बिल्ड इन द सेकंड ईयर कितने, लेस हाउसेस, लेस हाउसेस बिल्ड इन द सेकेंड ईयर कितने कम घर बने, दिस वन। हाउसेस बिल्ट इन द बोथ ईयर्स, ये अभी हमने फाइंड आउट करने हैं, ये क्वेश्चन मार्क है, ये अभी हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन सबसे पहले हाउसेस बिल्ट इन द फर्स्ट ईयर हमने फाइंड आउट करने। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास हाउसेस बिल्ड इन द फर्स्ट ईयर हमें मिल, सेकेंड ईयर सॉरी, हमें मिल जाएंगे। ओके, देखें, हमने 386,655 में से 24,521 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 362,134। ये जो हाउसेस हैं ये हमें मिले हैं कि गवर्नमेंट ने हाउसेस बिल्ड इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल में गवर्नमेंट ने कितने घर बनाए, 362,134। जब हमें सेकेंड ईयर के हाउसेस मिल गए और फर्स्ट ईयर के हाउसेस ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो तब हम टोटल बोथ ईयर्स में गवर्नमेंट ने कितने घर बनाए वो हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जब भी किसी चीज़ का हमने टोटल फाइंड आउट करना है, बोथ से आपने आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे अब हम इसको प्लस करके आइडेंटिफाई करेंगे कि दो टू ईयर्स में गवर्नमेंट ने कितने हाउसेस बनाए। तो आपने जो हाउसेस बिल्ड इन द वन ईयर प्लस हाउसेस बिल्ड इन द सेकेंड ईयर, इन दोनों को आपस में प्लस करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना ही डायरेक्ट आप प्लस कर रहे हैं या ना माइनस कर रहे हैं, बल्कि इसमें फर्स्ट आपने माइनस किया, फिर आपने सेकेंड ईयर के हाउसेस को निकाला, फिर उससे आपने जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर के दोनों के कंबाइन हाउसेस टोटल कितने बने वो आइडेंटिफाई किए। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, फातिमा हैज़ आर एस 954,888
इन हर बैंक अकाउंट, फातिमा के बैंक अकाउंट में इतने रुपये पड़े हुए हैं। शी विड्रॉज, उसने निकाले ₹135,600 फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप, एक लैपटॉप ख़रीदने के लिए फातिमा ने अपने बैंक अकाउंट से इतने रुपीज़ विड्रॉ करवाए, ठीक है। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विद हर, बाकी उसकी अकाउंट में जितने उसने विड्रॉ करवाए हैं उसके बाद बाकी उसकी अकाउंट में टोटल कितने पैसे बाकी बचे हैं। तो आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमेशा कोई एक ऐसा वर्ड होता है जो आप जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पे भी लेफ्ट, बाकी बची हुई चीज़ हमेशा सब्ट्रैक्ट करके निकाली जाती है। तो ये सिंपल एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, आपने टोटल अमाउंट में से विड्रॉज अमाउंट को माइनस करना है और जो अमाउंट बाकी बचेगी वो उसके बैंक अकाउंट में रह जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं, अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। टोटल मनी उसके पास RS इतनी है, मनी विड्रॉज उसने मनी कितनी विड्रॉ करवाई बैंक से, एंड मनी लेफ्ट अभी हमने फाइंड आउट करना है। तो आपने सिंपली इनको माइनस करना है, 8 में से 0 8 में से 6 2, 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 5 से आप कैरी ले गए और 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, बाकी 9 बचा, 4 में से 3 1, 9 में से 1 8। तो टोटल अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में, फातिमा के बैंक अकाउंट में टोटल कितने पैसे रह गए हैं, 819,288 रुपीज़ उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं, क्लियर। चलें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ फैक्ट्री ऑनर गेव, एक फैक्ट्री ऑनर ने दिए RS 448,870 रुपीस एज रिवार्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ इन द फर्स्ट ईयर। एक फैक्ट्री ऑनर ने अपने जो एम्प्लॉयज़ थे, एम्प्लॉयज़ मीन काम करने वाले जो वर्कर्स थे, रिवार्ड उनको एज अ बोनस के तौर पर, अपने फैक्ट्री ऑनर जो था उसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस के तौर पर इतने रुपीज़ दिए इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में। इन द सेकेंड ईयर में उसने कितने रिवॉर्ड दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, 437,995 रुपीज़ वर गिवन एज रिवॉर्ड के तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ को उसने दिया। आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, पार्ट ए क्या है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन इन बोथ ईयर्स, दोनों सालों में जो फैक्ट्री ऑनर है उसने टोटल कितनी अमाउंट अपने वर्कर्स को एज अ रिवार्ड दिए। सेकंड बी पार्ट क्या है, हाउ मच लेस अमाउंट, कितनी कम जो रकम थी वाज गिवन इन द सेकंड ईयर में कितने कम रिवार्ड दिया गया। देखें आपको फिगर से ही यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ देखें 448,870 बड़ा है, जबकि सेकंड ईयर में 437,995 रुपीज़ ये कम है। तो इट मींस के सेकंड ईयर में रिवार्ड कम मिला है वर्कर्स को और फर्स्ट ईयर में रिवार्ड ज़्यादा मिला है। तो पहले हम फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व करेंगे, टोटल वर्ड देखें, आपको टोटल से आपने आइडेंटिफाई किया कि टोटल मीन कि आपने दोनों ईयर्स के रिवार्ड को आपस में प्लस कर देना है। इट मींस कि ए पार्ट में आपने एडिशन करनी है, जबकि जो बी पार्ट है, हाउ मच लेस अमाउंट वाज गिवन, कितनी कम अमाउंट दी गई इन द सेकंड ईयर दूसरे साल में। तो लेस कम चीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेकंड ईयर में कितने कम अमाउंट रिवार्ड, कम कितना कम रिवार्ड फैक्ट्री ऑनर ने अपने वर्कर्स को दिए। तो इट मींस पार्ट ए एडिशन एंड पार्ट बी इज़ सब्ट्रैक्शन। तो चलें हम सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बिल्कुल शॉर्ट सी बनाएंगे हम, बहुत लंबी और लेंथी स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बनाएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट में देखें कि उसके पास टोटल मनी उसके पास, सॉरी टोटल मनी नहीं बल्कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट पहली क्या है, रिवार्ड गिवन इन वन ईयर, पहले साल में कितना रिवार्ड दिया गया, दिस वन। रिवार्ड गिवन इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल में रिवार्ड कितना दिया गया, दिस वन।
पार्ट ए क्या, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट गिवन इन बोथ ईयर्स, बोथ हो टोटल से आपने फाइंड आउट किया कि ये प्लस का क्वेश्चन है, सिंपल आपने इनको प्लस कर देना है, 0 + 5 = 5, 7 + 9 = 16, 1 carry, 8 + 9 = 17, 1 plus 18, 1 carry, 8 + 7 = 15, 1 plus किया 16, 1 carry, 4 + 3 = 7, 1 plus किया 8, 4 + 4 = 8। तो टोटल उसने अपने दोनों सालों में अपने वर्कर्स को कितना रिवार्ड दिया, 886,885। जो नेक्स्ट बी पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, बी पार्ट क्या है, इन विच ईयर डिड द फैक्ट्री ऑनर पे लेस रिवार्ड, और लेस उसने कितना कौन से ईयर में उसने लेस रिवार्ड पे किया, सेकेंड ईयर में किया, इन द सेकेंड ईयर फैक्ट्री ऑनर गिव लेस रिवार्ड। आपको फिगर्स से आइडेंटिफाई हो गया कि आपको पता चल गया कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा रिवार्ड दिया गया और सेकंड ईयर में कम। अब हाउ मच लेस, कितना कम दिया गया वो आपने फाइंड आउट करना है माइनस करके। अब इसी क्वेश्चन को जस्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से 5 नहीं निकल सकते, 7 वाले नंबर से कैरी लेके 10 बना, 10 में से 5 5, यहाँ 6 बचा, 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 7 वाले नंबर से कैरी लिया 16 बना, 16 में से 9 7, 7 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 7 वाले नंबर से आपने कैरी लिया, यहाँ 7 बचा, यहाँ 17 बना, 17 में से 9 8, 7 में से 7 0, 4 - 3 - 1, 4 में से 4 0। तो आपको पता चला कि सेकंड ईयर में उसने कितना कम पे किया, कितने रिवार्ड उसने कम पे किए, 10,875 ही पेज आर एस 10,875 लेस इन द सेकेंड ईयर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, समंथ्स फादर डोनेट्स 600,000 टू टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस इफ ही पेज आर एस 385,990 to one welfare organization, how much does he pay to the other? तो देखें जो donation की है टू welfare organizations को, total donation कितनी हुई है, 600,000 donation total हुई है, उसमें से अगर उन्होंने pay किए 385,990 टू वन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अगर उन्होंने इतना पे किया, हाउ मच डज ही पे टू द अदर, तो दूसरे को वो कितना पे करेगी, ये तो टोटल अमाउंट है, टोटल में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वन वेलफेयर को तो इतना मिला, दूसरी सेकेंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कितना डोनेशन मिलेगी। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ, जब आपके पास टोटल अमाउंट हो, एक चीज़ की कीमत दी हो तो दूसरी चीज़ हमेशा सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट की जाती है, तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलें इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। टोटल डोनेशन कितनी हुई, 600,000। ओके, डोनेशन टू वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी डोनेशन मिली, दिस वन, डोनेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने अभी सॉल्व करना है कि सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी डोनेशन मिली है, 0 में से 0 0, 10 0 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, 7 से कैरी ले गए, 10 में से 9 1, यहाँ क्या बचा था, यहाँ से तो देखें यहाँ से भी कैरी आप नहीं ले जा सकते, यहाँ से भी कैरी नहीं ले जा सकते, यहाँ से भी नहीं कैरी ले जा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो हैं, आपने कैरी स्टार्ट करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जब आपने कैरी स्टार्ट किया तो यहाँ 6 से 5 बचे, यहाँ 10 बचा, 10 में से जब आप एक नंबर यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ बाकी 9 बचा, ये 10 बना, जब यहाँ से आप 10 एक नंबर यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ फिर 9 बचा, यहाँ 10 बने, 10 से आप एक सब नंबर आगे ले जाएंगे तो यहाँ फिर 9 बचा, तो 10 में से 9 1, यहाँ 9 बचे, 9 में से 9 0, 9 में से 5 4, 9 में से 8 1, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए बाकी बचा 2। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी।
आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।